नमस्कार देशभक्तों, दर्शकों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देशवासियों, आप सभी को मालूम है ये साल हम स्वाधीनता के 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। हम लोगों ने एक अच्छा सोच के साथ, और वो सोच है देश के लोगों के अंदर देशभक्ति का भावना कूट कूट के भरने के लिए, बच्चे से नौजवान से तक, नौजवान से ज्येष्ठ नागरिक तक, सभी के अंदर वो देशभक्ति का जज्बा वो कूट कूट के भरने के लिए, ये जो हमने रास्ता चुने हैं, जो माध्यम चुने हैं, उसका नाम है देश है तो हम हैं। आप लोग अच्छी भली भांति ये समझते हैं कि आज जो हम जो उछल कूद कर रहे हैं, किस बलबूते पे ये उछल कूद कर रहे हैं, क्योंकि देश हमारा स्वाधीन है, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, किसी का हस्तक्षेप नहीं है। इस देश का अंदर हम मौज मस्ती कर रहे हैं, किसके भरोसे, किसके बलबूते पे, क्योंकि देश हमारा स्वाधीन है। और ये स्वाधीनता को सुरक्षित रखने के लिए देश में जो हमारे सीमाएं हैं, हमारे देश के सिपाही उसको सुरक्षा दे रहे हैं। भले कितने आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कितना भी खतरनाक, आप लोगों को मालूम है हिमालय के उस रेंज के अंदर क्या टेम्परेचर का डिग्री होते हैं, जहां इंसान बर्फ हो जाते हैं। तो सब कुछ त्याग के वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि देखो इतना दिन, इतना महीना, सालों साल हम सीमा में खड़े हुए, हमारा भी परिवार है, कि जो वो त्याग का भावना से सुरक्षित हैं और हम बहुत चैन से सुखी घूमते हैं, फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फिल्में देखते हैं, ये वो खिला खेल वेल, कीड़ा वीरा सब कुछ होता रहता है। लेकिन ये तो उन लोगों का काम है जो सीमाओं में खड़े हुए हैं, लेकिन देश के अंदर भी सुरक्षित होना हम लोगों के बहुत जरूरी है। देश के अंदर सुरक्षित नहीं होंगे तो उसकी भली भांति आप देख लोगों ने हमारे पड़ोसी देश में आप लोगों ने देख लिया क्या होता है क्या नहीं होता। और तो और अपने ही धर्म के लोगों को, अपने ही धर्म के लोग जहां बख्शते नहीं है, उसको अब क्या बोलोगे। बहुत दुख, हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम, हम तो सबको अपना लेते हैं अपने सीना में, लेकिन हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा कि आगे जाके जिसको हम समा ले रहे हैं, आगे जाके हमारे ही पीठ पे छुरी नहीं भोंकेंगे, ये कहाँ से हम समझे। इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। किसी को खराब किसी का नहीं करने का है, लेकिन अपना सुरक्षा का दायित्व तो खुद के ऊपर है ही। और ये सुरक्षा का दायित्व किसका, हर एक नागरिक का ये फर्ज बनता है कि देश के अंदर छिपे अगर कोई गद्दार है, उसके ऊपर बराबर सब नजर रखो, ना कि अपने मौज मस्ती में डूबे रहो। बार बार बोल रहा हूं, मौज मस्ती तभी आप लोग कर पा रहे हो जब देश आजाद है, जब देश सुरक्षित है। जब देश असुरक्षित हो जाएंगे, जरा 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 से सोचिए, क्या आप मौज मस्ती कुछ कर पाएंगे। अरे बात भी नहीं बोल पाएंगे, चाबुक के ऊपर भूल गए वो ब्रिटिश के बाद, चाबुक के ऊपर लोगों को कैसे अत्याचार करते थे।
हमारे पड़ोसी देश में भी आप जरा देखो चाबुक के ऊपर क्या क्या नहीं हुआ है और हो रहा है। और वो और जो माइनॉरिटी में होंगे, कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म, उनके ऊपर भी क्या क्या होता है नहीं होता है, आप सब आप लोगों को न्यूज पर पहुंच चुका है, आप लोगों ने देख लिया है। अगर संख्यालघु यानी माइनॉरिटी में अगर लोग अगर जीते हैं, उनके ऊपर किस तरह से जुल्म किया जाता है, बेदर्दी से कैसे उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, ओहो, देखा नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा। इसीलिए बार बार एक ही बात बोलता हूं, देशभक्ति का भावना को लोगों तक फैलाने की कोशिश करिए, समझाइए भाई, मौज मस्ती सिर्फ जीवन का एक सिर मंत्र नहीं है, देशभक्ति का भावना भी एक बहुत बड़ा मंत्र है। ये कौन बताएगा? आप, हम सब, आप बताओगे। एक आपका क्या बोलता, मोमबत्ती से ना जाने हजारों मोमबत्ती जल जाती है, तो आप लोग एक एक मोमबत्ती ना जाने कितने आप लोगों को आप शिक्षित कर सकते हो, कितने लोगों के अंदर ये रोशनी आप फैला सकते हो कि भाई देशभक्ति का भावना को अभी वक्त आ गया है, अभी वक्त आ गया है, अब मचल उठा है दरिया और सर पर घिरी बदरिया, उनचास पवन डोले झंझा की। ये उस समय हुआ करता था जब हम लोग पराधीन हुआ करते थे, हमें किसी भी हालत में आजादी के साथ समझौता नहीं करना है, किसी के बात पे आना भी नहीं है, हमें हमारा देश का सिर्फ सुरक्षा करना है, या एक एक सिपाही बनके, और सिर्फ सिपाही नहीं, देश के विकास में भी हमको कंधे से कंधे मिला के सरकार का भी साथ देना है, जो भी सरकार हो, जैसे आज का सरकार, आज की सरकार, ठीक है, ये हमारा फर्ज बन जाए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज शुरू करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। शुभारंभ हुए थे 15 अगस्त के दिन, आप लोगों को मालूम है, और हम समापन कब करने जा रहे हैं, हर महीना हम ये प्रोग्राम करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को हम जगाने में कुछ हद तक सफल, छोटी सी प्रयास है, छोटा सा व्यक्ति हूं, कोशिश करता हूं, छोटा सा प्रयास है, प्रयास बस यही है, मेरा देश सबसे ऊपर, बाकी सब प्रेम उसके नीचे, देश प्रेम सबसे ऊपर। तो इसलिए आज देश को डेडिकेट करके, समर्पित करके, उत्सर्ग करके एक प्रोग्राम, एक गाना पेश करेगी बंगाल से जुड़ी हुई गोपाल कृष्ण गोखले जी। एक बात बोले थे, याद आ गया है मेरे को, वो गोखले जी क्या बोले थे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। वो एक बात, एक समय जरूर गूंजता था हर जगह में, हर कोने में, क्यों कि बंगाल में 18 साल का बच्चा भी खुदीराम बोसु हंसते हंसते ब्रिटिश के फांसी पे चढ़ गया। आज यतीन्द्रनाथ दास का जन्मदिन है आज, ऐसे अगर हम ऐसे देश भक्ति के से जुड़े हुए उन विप्लवी, उन शहीदों के नाम अगर आप लोगों को बोलूंगा तो वो लिस्ट खत्म नहीं होगा, और बंगाल में वो लिस्ट बहुत बड़ा लिस्ट है, और जिसका सर्वोपरि सबसे बड़ा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश के बाहर जाके आजादी दिलाने के लिए हर तरकीब को कोशिश किया, यहां तक कि हिटलर किसी से मिलते नहीं थे, ये शेर का बच्चा यहां से निकल के पनडुब्बी में भाग के ब्रिटिश को चकमा दे के उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। ओयो, कैसे 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 करके वो हिटलर जी के सामने आया, और हिटलर तो किसी को
कोई मतलब भाव ही नहीं देता था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान के साथ भाव सिर्फ नहीं दिया, ये लड़ाई आजाद कराने की लड़ाई में आजाद हिंद फौज का गठन जो उन्होंने किया था उसमें भी मदद की। वो बात अलग है, थर्ड वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कुछ हुआ है वो कहानी पे मैं अब जाना नहीं चाहता हूँ, क्या हुआ क्या नहीं है ये एक लंबी कहानी होगा, वो हमारे 1 घंटे की इसके अंदर वो नहीं हो सकता, लेकिन वही मैं एक एक करके बताऊं। रविंद्रनाथ टैगोर लोग सिर्फ जानते हैं कि नोबेल लॉरेट है, नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था, लेकिन जालियाना वाला कांड के बाद उनको जो एक बहुत बड़ा सम्मान उपाधि दिया गया था ब्रिटिश के तरफ से, उन्होंने उसको वापस कर दिया, नहीं चाहिए, पहले मेरा देश उसके बाद मेरी अपना स्वार्थ, इसीलिए मैं बोलता हूं निजी स्वार्थ और गंदी राजनीति से ऊपर हमेशा हमेशा के लिए देश ही रहेगा, सर्वोपरि देश, बाकी सब के नीचे, देश प्रेम से बढ़ के कोई भी प्रेम नहीं, क्योंकि देश प्रेम के वजह से ही आप हम लोग सब उछल कूद करते हैं, हम मौज मस्ती करते हैं, हम खेलते हैं, खाते हैं, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसलिए देशभक्ति का आलम होना बहुत जरूरी है सबके, जगाइए जगाइए प्लीज जगाइए, सब लोग देशभक्ति का ये भावना को जगाते रहिए। इसका हम शुभ समापन करेंगे, हर महीना में तो हम ये प्रोग्राम करते ही हैं, हमारे साथ छोटी सी बच्ची है सिद्धि मालीवाल, जो बाद में शायद अगर कहीं भी कठिनाई हुई मेरी संचालन में, कहीं नेट इंटरनेट के वजह से उसके संचालन वो आगे बढ़ाएगी, सिद्धि मालीवाल छोटी सी बच्ची जिसके अंदर देशभक्ति का भावना कूट कूट के भरा हुआ है, वो बताएगी इसकी इसका समापन हम किस दिन करने जा रहे हैं, इसका शुभ समापन। सिद्धि मालीवाल मुंबई से जुड़े हैं, सिद्धि मालीवाल नमस्ते, मैं मुंबई से सिद्धि मालीवाल हूँ और देश है तो हम है इस कार्यक्रम का समापन अगले साल 26 जनवरी 2022 को होगा। भव्य भव्य तरीके से होंगे, बहुत भव्य तरीके से, और हम दुआ करेंगे कि कोरोना का तब कोई भी जरा सा भी कोई एक लक्षण भी ना रहे, सब लोग कोरोना मुक्त हो जाए, विश्वव्यापी सब लोग कोरोना मुक्त हो जाए, वो हमारे मित्र हो शत्रु हो कोई भी हो, सबका अच्छा चाहते हैं, क्योंकि भारतवर्ष का वाणी एक है, वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको अपना लेते हैं, बाकी जिम्मेदारी दूसरे देशों के लोगों का वो हमको अपनाते नहीं अपनाते वो उनके ऊपर। चलिए देश को समर्पण करेंगे आज एक गाना, बंगाल से जुड़े हुए हैं प्रियंका दी, प्रियंका दी नमस्कार, আমি বাংলা থেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বলছি, প্রিয়াঙ্কা দে। প্রথমে সকলকে আমার প্রণাম জানাই। আমাদের দেশ আমাদের সকলের মাতৃতুল্য, এই দেশের জল বাতাস মাটি আমাদের জীবনকে করেছে পরিপূর্ণ, তাই দেশের প্রতি ভালোবাসা আমাদের জন্মগত, দেশকে ভালোবেসে স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজের প্রাণ দিয়েছে কত বীর শহীদ, এই নিয়েই আমাদের আজকের উপস্থাপনা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বময়ী, আমার দেশের মাটি তোমার পরে মাথা।
बहुती हृदय स्पर्शी प्रस्तुति रहा प्रियंका दे से कतरब से बंगाल से और तो और ये जो गाना आपने सुने भले ही रविंद्र संगीत इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखे थे जिसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन सत्यजय मंडल जी ने किया था और मैं उनको पढ़ के थोड़ा सा सुनाना चाहता हूं इसी गाने का। ओ माई नेटिव सॉयल आई बो माई हेड टू यू इन डीप ओबेसेंस इन यू रेस्ट द यूनिवर्स ऑन यू इज स्प्रेड द लव ऑफ यूनिवर्सल मदर यूनिवर्सल मदर यू हैव बिकम ब्लेंडेड इन माई बॉडी यू हैव यूनाइटेड विथ माई हार्ट एंड सोल। कितना खूबसूरत अंदाज से लिखा कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। जब लास्ट लाइन पढ़ता हूं यू हैव यूनाइटेड विथ माई हार्ट एंड माई सोल मेरी देश की मट्टी। ये जज्बा यही होना चाहिए। बंगाल के बाद सभी हमारे इस देश के प्रांत के लोगों के अवदान रहे भले वो यूपी हो पंजाब हो महाराष्ट्र हो गुजरात हो साउथ के कोई भी हो मध्य प्रदेश भी हो झारखंड हो सभी के अपना अपना एक योगदान रहा है। बिहार हो पहले बिहार जहां जुड़ा हुआ था वहां से बिरसा मुंडा करके हुआ करते थे जिसको हम महात्मा गांधी बोला करते थे एक तरह से बिरसा मुंडा और वो ट्राइबल था ट्राइबल जाति के थे और उसने भी जंग छेड़ा था भले ही तीर धनुष से उन्होंने भी थी वो जंग छेड़ा था ब्रिटिश के खिलाफ। हर एक का योगदान रहा तब जाके देश आजाद हुआ। लेकिन आजादीन फौज अगर बगल में नहीं आ जाता तो ये ब्रिटिश क्या जाता। आजाद हिंद फौज के आने के बाद जब उन्होंने अपना देश का झंडा वहां गाड़ दिया इम्फॉल करके शायद वो जगह है वो जहां वहां गाड़ दिया 1942 है मेरे ख्याल वो ईयर तब इनको समझ में आया। थोड़ा चेक कर लीजिएगा 1942 है या 19 मुझे जहां तक लगता 1942 है तब जाके इनको खतरा महसूस हुआ कि नहीं अभी तो करीब करीब आ गए हैं अब तो ये हाथ। हाँ तब ये सुभाष चंद्र जी का डर से भी आप समझ लो ये देश आजाद हुआ था। ये बात कई लोग कहते नहीं है क्यों नहीं कहते हैं क्यों पढ़ते नहीं है ये मुझे मालूम नहीं है। लोग सोचते हैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चरखा और उसमें ही शायद आजादी मिली। बात कितना सही है ये आपके सामने मैंने रख दिया। नेताजी का अवदान कहां तक रहा जिन्होंने आईएएस में वो इतना बड़ा पोस्ट आईएएस का वो ठुकरा दिया उनके बारे में जितना आपको मैं बोलूंगा उतना ही कम। खैर एनीवे इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये देशभक्ति का कहानी जितना बोला जाए उतना कम है। क्यों पटेल जी गुजरात से उनका अवदान देख लो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज पूरा देश को एकत्रित किसने किया है सब राजाओं को जो बोला भाई अपना भेदभाव भुला के सब एक साथ जुड़ जाए ये किसका काम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ऐसे ऐसे लोगों का नाम अगर नाम मैं नहीं लूं तो बहुत ये आपका बंगाल बंगाल हमारा दूसरे हिस्से में चला जाता था पश्चिम बंगाल उसके लिए लड़ाई किसने किया उसको बनाए रखने के लिए हिंदुस्तान का अभिन्न अंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कश्मीर में जाके ताकि कश्मीर को भी वो किसी के हाथ में देना नहीं चाहते थे कश्मीर में जाके ही वहां उनको जेल बंदी कर दिया गया। बस वहीं वो तबीयत बिगड़ गई
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपना आखिरी सांस त्याग दिए वहां बहुत बुरे हालत में। ट्रीटमेंट भी मुझे नहीं लगता है कि सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इसके बाद आएंगे दिल्ली चलो, दिल्ली चलो में जाएंगे और दिल्ली में बैठी हुई है सुपर्णा लाहिरी। यस नमस्कार, आई एम सुपर्णा लाही फ्रॉम इंद्रपुरम दिल्ली एनसीआर। वी आर सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस डे। इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15th अगस्त 1947, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्रीज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ अरुण बनर्जी सिंगिंग इम्प्रूवमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन द पैट्रियोटिक सॉन्ग गंगा सिंधु नर्मदा। गंगा इन हिंदू माइथोलॉजी द गंगेस रिवर वाज क्रिएटेड व्हेन विष्णु इन हिज इनकार्नेशन एज द लॉर्ड ब्रह्मा टुक स्टेप्स क्रॉस द यूनिवर्स। द सिंधु रिवर आल्सो कॉमनली रेफर्ड टू एज द इंडस रिवर इज अ मेजर वाटरवे इन साउथ एशिया, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। नर्मदा द नर्मदा रिवर इज कॉल्ड रेवा एंड प्रीवियसली आल्सो नोन एज नर्मदा एज नर्मदा इज द फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर एंड ओवरऑल लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया एंड लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द स्टेट मध्य प्रदेश। गंगा सिंधु नर्मदा कावेरी जमुना होए बोइया चले आगेर मतन होए रे आगेर मानुष होए। गंगा सिंधु नर्मदा वर्णन है, क्या वर्णन है। गंगा सिंधु नर्मदा क्या वर्णन है बताइए सबको। ये जो मेल बंधन की बात है रविंद्रनाथ टैगोर की वजह से जो नेशनल एंथम में लिखा गया था पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो, कहीं आपने भेदाभाव देखा, भाषा भाषी का भेदाभाव देखा? कभी भी नहीं। भेदाभेद होना ही नहीं चाहिए, हम तो एक हैं। हम भले गुजरात के हैं, हम भले मराठी के हैं, हम भले बिहार के हैं, हम बंगाल के हैं, लेकिन हम आखिर में भारतीय हैं और इससे बढ़ के हमारा कोई परिचय नहीं होना चाहिए। चलिए दिल्ली हुआ, दिल्ली के बाद हम जाएंगे
उस मट्टी पे, जिस मट्टी से जंग छेड़े थे जयप्रकाश नारायण जी, जिस मट्टी से जंग छेड़े थे बिरसा मुंडा जी, वो मिट्टी है बिहार के, भले ही उसके बाद वो बदल गया झारखंड में, वो बात अलग है, लेकिन हम अमन अनोखा प्रजापति से सुनेंगे वो गाना। नमस्कार आप सभी को, जय हिंद। मैं अमन अनोखा प्रजापति रांची झारखंड से हूँ, और मैं देश है तो हम है इसमें मैं पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ। देश है तो हम है, यह एक जो सेंटेंस है अगर आप अच्छे से समझेंगे तो एक बहुत बड़ी कहानी है इसमें छुपी हुई, इसे मुझे अच्छे से समझना पड़ेगा हम सबों को। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि अगर देश को बचाना है तो हमें अपनी संस्कृति को बचानी होगी। हमारी संस्कृति के ऊपर ही हमारा देश है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति कभी नहीं खोनी चाहिए। और मैं अपनी वाणी को इसी बात से विराम देता हूँ, और मैं एक गीत तैयार किया हूँ आप सबों को सुनाता हूँ। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो बड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, जब जुर्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना, बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। धन्यवाद। क्या कितना इसके अंदर एक अलग ही दर्द रहा, और इस दर्द को बयान नहीं किया जा सकता है। जो जितना दफा ये गाना सुनता हूं उतना है मैं भावुक होता जाता हूं ये गाना को सुनता हूं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला, इस देश को आजाद कराने के लिए सभी प्रांतों सभी राज्यों का अपना अपना एक योगदान रहा है, और हम हर एक स्टेट को कोशिश करेंगे छूने का। आज जितने लोग जुड़े हैं आगे जाके और जुड़ेंगे, सबको और अपील करेंगे, भाई आप भी जुड़ो, भेदभाव सब भूल के इस मंच के साथ जुड़ो, क्योंकि हम जो कर रहे हैं
वो आप लोग सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, और ये जरूरी है ये नहीं जरूरी है वो अपने जमीन से पूछिएगा। और अगर जमीन से आवाज आ जाए कि नहीं वाकई इस मंच में हमको भी जुड़ना चाहिए तो जुड़ जाइएगा। तो अभी हम महाराष्ट्र के तरफ जाएंगे, आमची माटी आमची देश है। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अनुराधा नादकर्णी जी। अनुराधा जी से हम गुजारिश करेंगे वो ये गाना गाए। आप म्यूट में हो, म्यूट खोल दीजिए, आपकी आवाज म्यूट में है, म्यूट में है, म्यूट को खोल दीजिए, माइक्रोफोन पर टच करके म्यूट खोल दीजिए। म्यूट को खोल दीजिए, म्यूट म्यूट, आप म्यूट में आ गए हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, आ रही आवाज? आपकी आवाज आ रही है लेकिन ये हेलो का बोल रहा अनुराधा जी, आ रही है आवाज? अभी अनुराधा जी हेलो बोलिए, आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, अभी आ रही है, आ रही है, आ रही। क्षमा कीजिएगा दर्शक, आप लोग देख रहे हो जन से वे जीवन बिरले राष्ट्रात प्रेम ये उरले राष्ट्रात प्रेम ये उरले निसिद्ध मराया लाओ बलिसागर भारत हो बलिसागर भारत हो विश्वात शोभुनी राओ विश्वात भारत हो विश्वात शोभुनी राओ। ये सानी गुरु जी का गीत था, मैंने मराठी में मराठी का देशभक्ति पर गाना सुनाया आपको। मी मुंबईवरून बोलते, देश आहे तर आम्ही आहोत, आम्ही आज स्वतंत्र आहोत आणि अरुण बॅनर्जी सरांसारखं आम्हाला खूप चांगलं मार्गदर्शन मिळालेलं आहे आणि त्यांच्या कृपेने आम्ही ही मराठी गाणी किंवा बंगाली बंगालची गाणी सर्व देशाची गाणी आम्ही आज सादर करू शकतो। तर बॅनर्जी सर तुम्हाला धन्यवाद, धन्यवाद। दुसरं गाणं मी म्हणू का पटकन? सर मी दुसरं गाणं गाऊ? हा ओके ओके, इसके बाद दुसरं नाही अभी और। हॅलो, हा सर मी दुसरं गाणं गाऊ क्या? नाही दुसरं गाणं बाद में, बाद में, बाद में बताऊंगा बाद में। हॅलो दुसरं गाणं अभी नाही बाद में प्लीज। के बाद हम सिद्धि की तरफ बढ़ेंगे। सिद्धि आप आगे बढ़ाइए। हाँ सर, देश है तो हम है इस पर आप काफी किस्से सुना ही रहे हैं, तो इसके साथ हमारा एक छोटा सा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की जो
स्वतंत्रता हमें मिली है उसका गलत फायदा ना उठाए, बल्कि उसकी कदर करके अपने देश को बदले में कुछ दे। तो हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो गलत रास्तों पर जाते हैं, या हम भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत दुखी है और दुनिया में सबसे दुखी हम ही है। तो हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप ही की अमूल्य जान के लिए सीमा पर सैनिक तैनात है और वो आप ही की रक्षा करे ताकि आप देश को आगे बढ़ाओ और उसका नाम रोशन करो। तो हमें गलत रास्तों पर रोकने के लिए एक बहुत ही सुंदर गीत है जो बच्चों को संबोधित करते हुए बोला गया है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें समय समय पर खुद को आंकना चाहिए, क्या मैं सही काम कर रही हूँ, क्या इसी के लिए जवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो शुरू करती हूँ ये गाना। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख लोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, संसार को बदल के। इंसाफ की नगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। धन्यवाद। सर आप म्यूट हैं। बहुत अच्छा प्रस्तुति रहा। बच्चों ही तो हमारे देश की भविष्य है। हम तो चले जाएंगे, देश को संभालेंगे कौन? देश की सारी जो शक्ति बच्चों के मुट्ठी पे है, और बच्चे अगर गलत दिशा में चले जाएंगे, देश गलत दिशा में चले जाएंगे। ऐसे ही भ्रष्टाचारी का मात्रा इतना बढ़ चुका है, तो कभी कभी दर्द लगता है कि क्यों भाई आप हंसते हंसते फांसी में चढ़ गए। खुदीराम बसु, भगत सिंह जी, कैस क्यों आप लोग चढ़ गए फांसी में? अरे आपका टैग तो ये लोग समझे ही नहीं, जो भ्रष्टाचारी को जीवन का मंत्र बना लिया है। तो अभी देश का भक्ति का भावना कुछ मूल्यों बोधों से जुड़ा हुआ है, जिसका अभी व्याख्या गाना के द्वारा सिद्धि ने की। अब हम बंबई, आप लोग जानते हैं कितने लोगों के महाराष्ट्र से योगदान रहा, कितने लोगों के, मैं किस किस का नाम बोलूं, मैं आता हूं सबका, वही सब मैं डिस्कशन करूंगा। हम जाते हैं थोड़ा बंगाल में, और बंगाल के बाद हम जाएंगे थोड़ा परदेश भी जाएंगे। परदेश में है, आपको मालूम ही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी चले गए थे, परदेश से ही उन्होंने शक्ति खड़ा वहीं से तैयार किया था और जाके हमला बोल दिया था। तो हम परदेश में बाद में जाते हैं, पहले थोड़ा बंगाल जाते हैं, जहां बिनोय बादल दिनेश और ना जाने कितने मतलब नाम अगणित नाम है। तो उन सब का नाम हम धीरे 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 हर हर पद के द्वारा और डिस्कशन करते रहेंगे। तो राजीव मित्रा बंगाल से जुड़े हैं। राजीव मित्रा नमस्कार, मैं पश्चिमबंग से के हावड़ा से के राजीव मित्र बोल रही हूं। प्रथमे ही देश माता चरणे हमार सशस्त्र प्रणाम जानाई, एवं हमार जिन्हें श्रद्धेय सर श्री अरूप बनर्जी
ওনার চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমি আজকের এই যে দেশ হ্যায় তো হাম হ্যায় এই প্রোগ্রামটা যিনি সঞ্চালনা করছেন শ্রী অরূপ ব্যানার্জি, ওনাকে নমস্কার জানাচ্ছি। এবং আমার ছোট্ট বোন বোনের মতো সিদ্ধি, তাকেও আমার ভালোবাসা জানিয়ে আমার ছোট্ট আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি। কথা হলো একটা কথা যে আমার এখন স্মরণে আসছে, সেটা হলো লজ্জা। লজ্জা এই কারণেই আমি বলতে চাই যে আমরা যে স্বাধীনতা আমাদের যারা যারা দিয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, অত্যন্ত আমি আমার শ্রদ্ধেয় স্যার শ্রী অরূপ ব্যানার্জির কথায় সহমত পোষণ করেই কথাটা বলতে চাই যে তাদের অবদান আমরা কোনোদিনই ভুলবো না। এবং তারা যে দেশের প্রতি নিজেদের আত্মত্যাগ আত্মবলিদান করে গেছেন, সেই কথাও আমরা আমাদের রক্তে সেটা আমাদের মনে রাখছি এবং রাখতে হবেও। এবং এটাই এই লজ্জার কথা বলার একটাই আমার তাৎপর্য, সেটা হলো যে দেশকে এখন আর সেরকমভাবে কেউ ভালোবাসে না। এই ভ্রষ্টাচার, এই অনাচার, এই অরাজকতা, এই নৈরাজ্য যেভাবে দেশের মানুষকে যেভাবে গ্রাস করছে এবং দেশকে আমাদের যেভাবে আস্তে আস্তে উই পোকার মতো গ্রাস করতে চলেছে, সেটা আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে আমাদের মধ্যে দেশভক্তির যেটা ভাব ধারণা সেটা আস্তে আস্তে আমাদের কমে যাচ্ছে। এবং এরপরের জেনারেশান যে কি হবে সেটাও একটা প্রশ্নচিহ্নর মুখে আমরা পড়েছি। হ্যাঁ, আর এটাই আমি বলবো যে আমরা পড়োশী দেশ যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে ধর্মের দিক থেকে, হ্যাঁ সেটা তো খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার, আমরা যেটা কোনোদিনই আমাদের কল্পনার অতীত। তাই একটাই বলবো যে দেশকে যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় এবং সমৃদ্ধ করে রাখতে হয় এবং সবাই মিলে সেই প্রয়াস আমাদের নিতে হবে, এবং লজ্জার কথাটা সবসময় স্মরণ করে রাখতে হবে মনের ভেতরে, সেই আগুনটা জ্বালিয়ে রাখতে হবে মনের ভেতরে। সবাইকেই আমি এটাই আমি আমার তরফ থেকে অনুরোধ জানাচ্ছি সমস্ত দেশবাসীকেই যে আপনারা সবাই মিলে এই অনাচার, এই নৈরাজ্য, এই ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে আপনারা রুখে দাঁড়ান এবং একত্র হয়ে দেশ মাতার চরণে দেশভক্তকে একমাত্র অবলম্বন করে আপনারা এই স্বাধীনতার যেভাবে যারা যারা দিয়েছেন তাদের স্মরণ করে আপনারা এগিয়ে আসুন, সম্মান জানাতে পারবো এবং সঠিক সম্মান জানানো হবে, সঠিক সম্মান জানানো হবে তাদের চরণে। আমি এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমি শেষ করছি। নমস্কার। নমস্কার। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবু পরাণ খুলে অতি মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। স্যার আপনার স্যার মিউট হ্যাঁ মিউট মিউট আছে মিউট আছে স্যার। রবীন্দ্রনাথ জি কা দুসরা গানা হাম লোগো নে সুন লিয়ে, कितना बाखूबी के साथ उन्होंने वर्णन किया। आप अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझो, कोई अगर आपका अच्छा काम के लिए कोई आगे अगर नहीं आगे आता है, बेफिक्र रहो, आपका साथ ईश्वर है, वो आपका साथ देगा और आप विजय प्राप्त होगे। इसके लिए से किसी का चापलूसी करने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं। अच्छा काम जो कर रहे हो, जो समझ लिया, समझने वालों को इशारा ही काफी, और जिनका ये जागृत है वो इशारा से समझ जाते हैं, और जिनका ये जागृत नहीं है यानी जिनका जमीर मर चुका है, आप उनके सामने 1000 वोल्ट का लाइट भी अगर जला दोगे तो भी वो बुझा बुझा ही रहेगा। तो एकला चलो रे, कोई साथ दे या ना दे, अच्छे काम के लिए आप निकल पड़े हो, निकल पड़ो और करके दिखाओ। बहुत अच्छा रहा राजीव मित्रा का गाना। बंगाल से ही और एक गाना सुन लेंगे, प्रियंका दे। नहीं, बंगाल से जाने से पहले हम चाहते हैं कि ये पूरा स्लॉट कंप्लीट हो जाए, हम बाहरी देश में चला जाए, और बाहरी देश में हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं क्वेट से, मिडिल ईस्ट क्वेट से इंतजार कर रहे हैं पार्थ शारोती वर्धन। नमस्कार सबको, नमस्कार। अच्छा, जो मैं कहना चाहता था कि देश है तो हम है, ये जो भावना है ये अपने में एक बहुत बड़ी भावना है, और सर जी ने जो चालू किया है इसके लिए रियली हम लोग सब मतलब उनके शुक्रगुजार हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि फिर से ये भावना जो हमारे में वो जागृत कर रहे हैं। वो ऐसा है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है, अभी का जो जनरेशन है, उनको मैं पहले भी बोला था कि उनको ऐसे फील मिला है ये जो इंडिपेंडेंस, उनको कुछ मालूम नहीं है इसमें कितनी कुर्बानियां गई, कितनी मतलब लोगों ने जान दिया, हंसते हंसते लोगों ने तो कितनी कठिनाई लोगों ने उठाई। तो आज की तारीख में ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंस डे है तो मतलब ऐसा है कि वो छुट्टी का दिन है, चलो छुट्टी मनाते हैं, पार्क में घूमेंगे आएंगे, यही सब रहता है आज की तारीख में इंडिपेंडेंस डे का मतलब। तो ये है कि लोगों को ये समझाना है, बच्चों में जाना है, स्कूल में होता है फ्लैग हस्ट करते हैं स्कूल में, तो बस उतना था कि है तो थोड़ा बहुत, तो वही है कि लोगों को भावना जो स्वतंत्रता की भावना है वो जो जगाना है वो बहुत बड़ी बड़ी काम है, वो जो साफ सर जी कर रहे हैं। तो मैं एक बंगला गाना गाऊंगा जो कि उसी लाइन पर है, तो वो कह रहे हैं कि धरती माता जो भारत माता उनको कह रहे हैं कि हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम लाखों लाखों में कुर्बानी देंगे। उस समय 30 करोड़ की जनता के लिए 30 करोड़ हम लोग कुर्बानी दे देंगे, नो प्रॉब्लम, आप हमको आपके सीने में लगाओ, भारत माता को बोलो, उसी के ऊपर ये गाना है। चालू करता हूँ बंगला में। ওঠো গো ভারত লোকী, ওঠো আজ জাগত জন পূজা, দুঃখ দৈন্য সগুণাশী করো ধূলিত ভারত লজ্জা, ছাড়ো গো ছাড়ো শোক সজ্জা,
भारत लक्ष्मी, भारत माता को आह्वान करके बोला जा रहा है, ओठो को भारत लक्ष्मी, ओठो आदि जगत। मतलब अतुल प्रसाद सेन वो भी उस समय के विप्लवी राइटर थे, लखनऊ के रहने वाले थे अतुल प्रसाद जी, और ऐसे पेशे से वो एडवोकेट थे। हाँ, तो अतुल प्रसाद सेन के बारे में थोड़ा सा मैंने बोला, और भी आगे मैं बोलता रहूंगा सभी के बारे में। ये जितने भी आगे एपिसोड्स होंगे आप देखते रहोगे कि क्या 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 विषय को लेकर हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। हम चाहेंगे समय को देखते हुए अब मैं नाम बोल देता हूं, और हम टारगेट लिया था 6:15 बजे हमारा इस प्रोग्राम को शुभ समापन करेंगे, लेकिन शायद 10 मिनट और ऊपर जाएगा। 10 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ 7 जने हैं, सारे का मापादानी से 7 सुर है, और भी अगर कोई जुड़ेंगे तो अलग बात हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये करेंगे पहले प्रियंका बंगाल, फिर बंगाल से राजीव, फिर अमन आप चाहो तो आप क्विज कर सकते हो, मुझे आपकी समस्या मुझे मालूम है, आप क्विज कर सकते हो, कोई बात नहीं बेटा। हाँ हाँ, नमस्कार, जय गुरु सर, जय सभी को, जय हिंद, जय। आप क्विज कर सकते, आपकी समस्या मुझे मालूम है। और राजीव के बाद सिद्धि, सिद्धि के बाद सुपर्णा, सुपर्णा के बाद अनुराधा, और अनुराधा जी, अनुराधा जी के बाद पार्थ वर्धन का लास्ट गाना के साथ। जल्दी जल्दी सब एक एक अंतरा ज्यादा बढ़ाइए मत। एक प्रियंका आपका गाना जैसे ही खत्म हो जाता है आप भी क्विट करके अपना काम में आप लग जाइए, मुझे आपकी समस्या भी मालूम है। प्लीज प्रियंका से शुरू होगा, प्रियंका, राजीव, सिद्धि, सुपर्णा, अनुराधा जी, और उसके बाद पार्थों के साथ ये प्रोग्राम आज हम समापन करते हैं। चलिए, धनो धान्यो पुष्प भरा आमादेर बसुंधरा ताहार माझे आछे देशे सकल देशेर सेरा बसे स्वप्न दिए तैरी से देश स्मृति दिए घेरा আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি
পাখি কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি গুঞ্জরিয়াসে ওলি কুঞ্জে মুঞ্জে ধে তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধুকে খুঁজে পাবে না তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি প্রণাম স্যার প্রণাম প্রণাম আমি বেরোলাম রাজীব রাজস্থান राजीव आप ये गाना और अच्छी तरह से गा सकते थे मुझे समझ में नहीं आया और ये गाना रिपीट हो गया है ऑलरेडी एक जन ने गा चुकी है और बंगाल से ही गा चुकी है और बंगाल में ही आपने इस गाना को दूसरी तरह दफा किया लेकिन इसमें कुछ और भी थोड़ा चीजें रह गया है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना क्योंकि देश को आप अर्पण कर रहे हो ये जब देश के मट्टी को ये अर्पण कर रहे हो तो जिस तरीके से कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको संजोया था धुनों में संजाया था वो भावनाओं के साथ वो भावना कहीं कहीं बिखर जाता है इसको आगे इसके ऊपर ध्यान रखना आप मेरे शायद इसलिए ये सब बातें मैं बता पा रहा हूँ इसके बाद सिद्धि सर अपने अगले गाने के साथ में थोड़ी सी भूमिका बताना चाहूंगी आज भी हमारे देश में लड़कियों को अच्छी तरह से शिक्षा नहीं मिल पाती है जिसके कारण वे
अच्छी तरह से घर नहीं चला पाती है या फिर समाज में अपना एक नाम नहीं बना पाती है। तो एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो लड़कियों को यानी कि वो सभी के लिए अप्लाई करता है। तो देश के लिए हम क्या छोटे छोटे योगदान दे सकते हैं वो इस गाने के द्वारा बताया गया। प्लीज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नई उम्र की कलियों तुम देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल कर भी न लगाना, कभी भूल कर भी न लगाना, जीवन में तुम चिनगारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। धन्यवाद। वाह वाह वाह। अभी दिल्ली से सुपर्णा लाहिरी और उसके बाद हम क्वेट में चले जाएंगे, महाराष्ट्र में चले जाएंगे, अनुराधा नादकर्णी, उसके बाद क्वेट से पार्थो सारथी, और अभी तो आखिर लास्ट गाना जो गाएगी वो अरूपा शर्मा। अभी तो थी वो, कहाँ चली गई अरूपा शर्मा? अरूपा शर्मा कहाँ चली गई? अभी तो थी सर, मेरा गाना भी कॉमन हो गया सर, अभी वेरी गुड, वेरी गुड। এখন আর দেরি নয় ধরব তোরা হাতে হাতে ধরব, আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন স্বর্গ। এখন আর দেরি নয় ধরব তোরা হাতে হাতে ধরব, আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন স্বর্গ। ওরে ওরে উঠেছে শঙ্খ বেজে খুললো দাদা আপনি মিউটে আছেন, দাদা আপনার মিউট আছে। স্যার, দাদা আপনি মিউটে আছেন। স্যার স্যার মিউট করা আছে সাউন্ডটা। দাদা আপনার সাউন্ড মিউট আছে। স্যার সাউন্ডটা মিউট আছে। আবি
अभी ठीक है, अभी हमारे साथ जुड़ेंगे अनुराधा नादकर्णी महाराष्ट्र से, बंबई से, और उनका प्रस्तुति के बाद तुरंत जुड़ जाएंगे राजस्थान से अरूपा शर्मा, और अरूपा शर्मा अपना वक्तव्य के साथ वो गाना भी गा देंगी, और वही हमारा आज का आखिरी वो होगा। चलिए अनुराधा जी, सर ये गाना मेरा कैसे रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ठीक है, थैंक यू मैडम। आपकी माइक्रोफोन आपका हमेशा म्यूट रहता है, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, आप माइक्रोफोन अनुराधा जी माइक्रोफोन चालू कीजिए, म्यूट किया हुआ है, म्यूट। हम समय नष्ट नहीं कर सकते हैं, समय का पाबंदी है हम लोगों के साथ, इसीलिए हम अरूपा शर्मा के पास चले जाएंगे और अनुराधा जी का लास्ट फिर हम बाद में सुन लेते हैं। हाँ, तो अरूपा शर्मा जी आपका प्रस्तुति, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, अरूपा शर्मा जी आप गाइए। हाँ नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ अनुराधा जी आपको बाद में आप करेंगे, अभी अरूपा जी करेंगी। अनुराधा जी अभी आप के बदले में अरूपा जी गा रही है, करने दीजिए सर उनको, वो शायद नहीं, 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 कर लीजिए, समय नष्ट हो रहा है। आज शाम को मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, सुकांत भट्टाचार्य की ये कविता है, बंगाली में है। बिल्कुल बिल्कुल। देशलाई काठी, देशलाई काठी, एतो नगण्य हयतो चोखेओ पड़िना, तबु जेनो आमार मुखेर मध्ये उस्कुस करछे, বুকে আমার জ্বলে উচ্ছ্বাস দুরন্ত, আমি একটা ছোট্ট বটলাই কাঠি, মনে আছে সেদিন হলো স্থূল বৃদ্ধি ছিল, ঘরের কোণে জ্বলে উঠেছিল আগুন, আমাকে অবজ্ঞা ভরে না নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলায় কত ঘরে দিয়েছি পুড়িয়ে, আমি কত প্রসাদ দিয়েছি করেছি ধুলির সার, আমি একাই ছোট্ট একটা দেশলাইয়ের কাঠি, এমনি বহু নগর বহু রাজ্যে দিতে পারি ছাড়খার করে, তবু অবজ্ঞা ভরে আমাকে দেখবে না কখনো, মনে নেই এই সেদিন আমরা সবাই জ্বলে উঠেছিলাম একই সাথে, চমকে উঠেছিল আমরা শুনেছিলাম তোমাদের বিবর্ণ মুখের আত্মনাদ, আমাদের কি অসীম শক্তি তা তো অনুভব করেছো বারংবার, তবু কেন বোঝো না। তবু কেন বোঝো না, বাহ, দেশলাই কাঠি তুচ্ছ মনে করি আমরা, কিন্তু কি পাওয়ার আছে, সেই তছনছ করে দেওয়ার শক্তি আছে, অদ্ভুত 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 অদ্ভুত। এই আগুনই জ্বালিয়ে রাখতে হবে নিজের মনের ভেতরে সকলকে, এই আগুনই সবকিছু। আজ ইসকে সাথে হম শায়দ লাস্ট ইসমে পৌঁছ চুকে হ্যাঁ, অন্তিম চরণ মে পৌঁছ চুকে হ্যাঁ, আর হম অনুরাধা জি কা গানা সুন নাহি পায়ে, উনকি ইন্টারনেট কি খারাপি কে ওয়াজহ সে জাহাঁ তক মুঝে লাগতা হ্যায় ইয়ে সমস্যা হো রহি হ্যায়, তো ইসকে সাথ मैं सभी से अनुमति चाहूंगा और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी कहूंगा
और शायद कुछ बोलना चाह रही थी, गाना आपका बाकी है शायद ना रूपा? आपका गाना बाकी है शायद ना? कोई बात नहीं सर, मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ। ओके सो नाइस, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज यही समाप्त करते हैं, सभी धन्यवाद के पात्र पात्री हैं आप लोग, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा। हाँ, बस इस देशभक्ति का भावना को कभी भी आप मरने मत, इसको और बढ़ाते रहिए, और बढ़ाते। नमस्कार सर, नमस्कार, शुभ रात्रि, नमस्कार सर।